एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाई है। प्रीति वाई चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं खुद से एक सुंदर सा बॉन हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो देख के ट्राई जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपने साइड से मांग निकालूंगी और ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे बालों की इस तरीके से। ओके, दोनों साइड से कर लेंगे। बहुत ही सुंदर सा बन है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बाकी सारे बालों को इस तरीके से कॉम करेंगे और एक रबड़ बैंड की मदद से सिक्योर कर लेंगे। रबड़ बैंड लगा देंगे मतलब बालों में। तो इस तरीके से मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग करके बैक में पेंट लगाने के बाद से बालों को सिंपली थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ट्विस्टिंग करेंगे हम लोग। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो अपने बालों में कर्व का लुक क्रिएट करने के लिए, ताकि आपके बालों में वॉल्यूम दिखे और आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा दिखता है इस तरीके से खींच लेने से। फिर थोड़े थोड़े हेयर्स लेने हैं और ट्विस्ट करते जाना। अब जैसे आपने फर्स्ट लेयर ट्विस्ट कर ली, तो साथ साथ ही इसको खींचते जाइए, ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा दिखती रहता है। फिर से सेकेंड लेयर लेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, फिर से खींच लेंगे। ओके, थर्ड लेयर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, खींचते जाएंगे साथ साथ। ओके, फोर्थ लेयर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे और खींचेंगे। फिर इसको पूरा ट्विस्ट करेंगे और थोड़ा सा खींचेंगे इसमें। ओके, इस टाइप का लुक आना चाहिए आपके ट्विस्टिंग हेयर्स में। अब जहाँ पे आपने पोनी बनाई है, वहाँ पे ले जाके इसको टिक्टर क्लिप से या फिर बॉबी क्लिप से आप सेट कर लीजिएगा। जो फिर भी आपको कॉन्फर्टेबल है। ओके, फिर इसी तरीके से आपको सेकेंड लेयर लेना है और ट्विस्ट करना है। इसमें भी इसी तरीके से खींचोगे वॉल्यूम लाने के लिए। ओके, ये बहुत ही क्विक, आप खुद से पार्टी में शादी में तैयार होना चाहते हो, साड़ी के लिए, गाउन ड्रेस के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा ये बॉन हेयर स्टाइल। अगर आप लोग को डमी पे देखना है हेयर स्टाइल तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं देखना है वो भी बता दीजिएगा, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोग सेल्फ और हेयर स्टाइल देखना चाहते हो या फिर डमी वाला भी चलेगा। ओके, फिर से आप बॉबी क्लिप से सेट कर लोगे या फिर यू पिन से भी सेट कर सकते हो। बॉबी क्लिप से ही ठीक रहेगा, बॉबी क्लिप आप लगा लीजिएगा। लेकिन जो आपने पहले लगाया थे उसी में देखूँ, फिर से आपका जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको भी ट्विस्ट कर लेंगे। चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो। मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में लेयर्स निकाल के ही दिखाती हूँ, बट आज मैं सोची थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लेयर्स नहीं निकालूंगी। वैसे आप चाहो तो ये वाला लेयर्स निकाल के ऐसे ही छोड़ सकते हो ऐसे, और इसको बैग में ले जाके ट्विस्ट कर दो। साथ में ले लेते हैं। अगर आपको ज्वेलरी वगैरह पहननी है तो आप लेयर्स नहीं भी निकालोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपका हेयर स्टाइल। यहाँ पर मैं छोटे वाले क्लिप का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हेयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। इस तरीके से मैंने इस साइड का बना लिया है। ओके, सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पे ही बना के और फिर दिखाती हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से दूसरी साइड भी मैंने ट्विस्टिंग कर ली है, सेम जैसे हमने इधर किया था वैसे ही कर लेना है। तो ये देखिए, मेरा छोटा सा लेयर होने की वजह से ये निकल जा रहा है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, तो आप लेयर्स अपने छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा क्लिप की वजह से, मदद से। ओके, अभी बारी आती है हमारी बैक हेयर स्टाइल की। मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दिया है, यहाँ पे भी मेरा निकल रहा है,
क्योंकि फ्रंट से मैं काफ़ी शॉर्ट रखती हूँ हेयर, इसी वजह से निकलने लग जाता है। ये हो गया। अभी हम लोग एक डोनेट लेंगे और इस तरीके से बन के राइट के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और एक यू पिन लेंगे और उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि ना। इसके बाद जो डोनेट के अंदर हेयर है इसको अच्छे से कॉम करेंगे, थोड़े थोड़े हेयर्स लेंगे। इसको इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद इसको पतला सा एक लेयर लेंगे और ऐसे खींचेंगे, खींचने के बाद फिर कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। इसको आप अपने ब्लेड के ऊपर सेट करके लगा दें और एक यू पिन से सेट करते हैं, मतलब इसी तरीके से करते हुए आपको पूरा हेयर कवर कर देंगे। पतला सा लेयर एक नीचे से लेंगे और कुछ खींच देंगे, उसके बाद कुछ उस तरीके का आ जाएगा। और बुलेट को इसी तरीके से पूरा हाइड कर देना है। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, हल्का सा पतला सा लेयर लेंगे एक बार और ऐसे खींचेंगे तो ये अच्छे से आपका कवर होके जाएगा। ऐसे ही ट्विस्ट करके और दो एक के चारों तरफ रखें।
मशीन से सेट कर देंगे। मेरा आइडिया ये हेयर स्टाइल बनाने का खुद से, और काफ़ी मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी इस तरीके की डिफरेंट सेल्फ हेयर स्टाइल देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं इयर रिंग्स पहन के आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये है हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। चलिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं और भी इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आ पाऊँ आप लोगों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।